इतने साल गुजर गए, मुस्कुराती हुई अम्मा हाइमा, सुलेमान शाह की भारी आवाज और साथ में बेकाबू उस्मान की शरारतें। आओ बैठो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये मेरे उस्मान के हैं, देखो, खास उसके लिए बना था। बहुत छोटी है। हाँ ना, छोटी सी है, तब भी वो एक शेर था और अब भी। उसकी पहली सदरी अपने हाथों से मैंने ही बनाई थी। फिर वो बड़ा होता गया, वो बामसी साहब और तुर्को साहब के साथ तलवार चलाने लगा। उसकी बहादुरी अल्लाह की तरफ से थी और तलवार चलाने का हुनर उसके बाबा अर्तुरुल साहब की तरफ से था। वो कबीले के बच्चों में हमेशा सबसे आगे था। तीर से निशाना लेने वालों में वो पहला था। लकड़ी की तलवार भी उसने सबसे पहले छोड़ी। उसके हमख्याल हमेशा उसके पीछे चलते थे। फिर बड़ा हो गया और सरदार बन गया। उसके दोस्त सिपाही बन गए। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, वो हमेशा साथ रहे। सिलचान खातून, एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में। हाँ पूछो बेटी। पूछो मेरी जान, शर्माओ मत। उस्मान साहब ने कभी किसी से मोहब्बत की है क्या? ये तो मैं नहीं जानती बेटी, लेकिन जब वो तुम्हारा नाम सुनता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। मैं उस्मान की माँ हूं, उसे अच्छी तरह जानती हूं। अगर मेरी बात पे यकीन है तो ये जान लो, उस्मान के दिल में सिर्फ बाला खातून है। वो जब भी किसी बात में बाला खातून का जिक्र करता है तो उसकी चमकती आंखों से मैंने ये जाना, तुम्हारी आंखों की तरह। लगता है मेरे रब ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया है। हमेशा खुश रहो दोनों। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।